نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبقى صدق الله مولانا العظيم मौजिज़ो मोहतरम उलमाए कराम कायदीन तहरीक मिन्हाजुल कुरान और इस अजीम जामे मस्जिद शेखुल इस्लाम में मौजूद शुरकाए जुमा अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल व करम और एहसान है कि जिसने तौफीक अता फरमाई कि हम लोग उसके हुजूर सजदा रेज होने के लिए आज के रोज उसके हुक्म के मुताबिक जमा अल्लाह पाक हम सब का जमा होना अपनी बारगाह यादस में कबूल व मंजूर फरमाए। हाजरीन ने मुकर्रम आज खिताब जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो एक ऐसा मसला है जो कमोबेश हम में से हर एक शख्स मर्दो जन को दरपेश रहता है और कई बार हम उस मसले की बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, नतीजतन वो मसला बढ़ता इंसान के लिए मुजरे सेहत और यहां तक कि उसकी जान लेने का बायस भी बन जाता है। तो आज उस मसले के साइंटिफिक पहलू और उसके बाद कुरान मजीद और अहदीस मुबारका की रोशनी में उसके सॉल्यूशन और टेक्निक्स को समझने की कोशिश करें। जो आयत मुबारका मैंने इब्तिदा में तिलावत की इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं और ये कि वही खुशी देकर हंसाता है और गम देकर रोलाता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि लोगों वो मैं ही हूं कि जो किसी को हंसाता भी है और वो मैं ही हूं जो किसी को रुलाता भी है, यानी किसी को खुशी अता करके उसको हंसा भी देता और जब चाहूं तो किसी को गमगीन करके रुला भी देता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों कैफियात का मालिक और अता करने वाला अपने आप को करार दिया। अब इस आयत मुबारका की आगे तफसीर और दीगर ज़ैली पहलुओं की तरफ अब गौर करते हाजरीन हम जब रोजमर्रा जिंदगी में अपने आप और फिर अपने गिर्दो नवा में हर किसी को देखते हैं तो एक लफ्ज अमूमन हमारी जबानों पर रहता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं, ज़हनी दबाव। हर एक शख्स किसी न किसी ज़हनी दबाव का आज के मुआशरे में शिकार है। किसी को भी हम इल्ला माशाअल्लाह खाली नहीं देखते ज़हनी दबाव से, स्ट्रेस
लेकिन उस स्ट्रेस की मैनेजमेंट उसकी तरफ हम कई बार गौर नहीं कर पाते और सही मानों में समझ नहीं पाते। स्ट्रेस किन चीजों से पैदा होता है? अमूमन जिंदगी के जो तकाजे हैं हमसे, वो कभी कभार जब पूरा ना कर पाए तो उसके नतीजे में स्ट्रेस पैदा होता है, ज़हनी दबाव पैदा होता है। और वो ज़हनी दबाव अगर उसको बेहतर अंदाज में मैनेज ना किया जाए तो वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में और बाद अज़ां डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। घरों से बाहर मर्दों के साथ यही मामला पेश आता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, जॉब हो, फैमिली लाइफ हो, दोस्त अहबाब हो, सोशल लाइफ हो, यूनिवर्सिटी हो, तलबा तालिबात जहां पर जेरे तालीम है, हजार तरह के उमूर हैं जिसके नतीजे में इंसान कहता है कि मैं स्ट्रेस का शिकार हो गया और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। और वो फिर ज़हनी दबाव ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। ऑफिस लाइफ के अंदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ है, 100 तरह के मसाइल उसके अंदर पेश होते हैं जिसके नतीजे में वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। बिलखसूस पाकिस्तान के आजकल के जैसे हालात हैं, मुआशी मुश्किलात हैं, महंगाई बेपनाह है, खर्च कम है और अखराजात ज्यादा हैं, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, इंसान रोजमर्रा की जरूरियात को मीट नहीं कर सकता, बच्चों की कई बार फीस पूरी तरह अदा नहीं कर सकता, बच्चे और घर जाता है अदायगियां नहीं हुई होती तो बीवी बच्चों के साथ अलग झगड़ा, तो घर से बाहर पैसे कमाने में ज़हनी दबाव का शिकार है, फिर घर जाकर घर वालों को समझाने में ज़हनी दबाव का शिकार है, तो हजार तरह के मसाइल दरपेश है। नौजवान बच्चे बच्चियां, उन्होंने भी अपने लिए बहुत सारे स्ट्रेसेस अडॉप्ट कर रखे हैं, स्ट्रेसेस हैं बहुत सारे उनके लिए जिनमें वो मुब्तला है, तालीमी सरगर्मियां हैं, एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, इंटरमीडिएट के इम्तिहान दिए हैं अच्छे मार्क्स नहीं आए, बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो पा रहा या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे, वालदैन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बच्चे उनकी मजबूरी को समझे बगैर खुद एक स्ट्रेस का शिकार है, वालदैन उनको स्ट्रेस में देखकर खुद एक स्ट्रेस का शिकार है, तो वो ज़हनी दबाव है जिसने हर सिमत से इंसान को घेरा हुआ है। फिर अपनी दीनी जिंदगी के अंदर इंसान कई बार दीनी उमूर की बजाय आवरी में कोता है, पूरी तरह वो अदा नहीं कर पाता, नमाजों की बकायदगी नहीं रहती, फिर वो कोशिश करता है कि नमाजों की बकायदगी बन जाए लेकिन वो नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे उमूर हैं ज़िंदगी में जो उसे पता है कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इजाज़त नहीं देती लेकिन वो मजबूर है, वो उनको करता है, और दिल पर फिर एक प्रेशर और दबाव भी है कि मैं ये गुनाह का इर्तिकाब करता हूँ, वो बजाते खुद एक ज़हनी दबाव है उसके ऊपर मुसलसल जिससे निजात नहीं मिलती। नतीजतन होता क्या है कि वो शख्स ग्रेजुअली बीमार हो जाता है और इसके ऊपर फिर बैनुल अक़वामी जराइद में जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं, साइंटिफिक सेंटर्स हैं, उन्होंने फिर इस सब्जेक्ट के ऊपर साल हा साल तहकीकात की है और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। जैसे कि एक बहुत मारूफ इदारा है, उसने 68,000 अफराद पर 8 साल एनालिसिस किया, 68,000 अफराद का 8 साल बगौर मुताला करते रहे उन लोगों के लाइफस्टाइल का, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारते थे उनके अंदर हार्ट डिजीज़ बहुत कम थी, और जिन लोगों ने स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी और किसी न किसी सूरत स्ट्रेसेस का शिकार थे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसको हम हार्ट डिजीज़ कहते हैं उनमें मुबतला हुए और वही उनकी जान लेने का सबब भी अमराज बन गई। इसी तरह फिर रोज़मर्रा हम जिंदगी में देखते हैं
अक्सर वो बेशतर लोग शिकायत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक नहीं है, मेदे की तकलीफ है, पेट की अमराज में मुबतला है। तो इस पर भी साइंटिफिक तहकीक है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इन अमराज का सबब भी डेली लाइफ स्ट्रेसेस है। ये जो जहनी दबाव जिसका हम अमूमन शिकार रहते हैं, इसका एक असर पेट की अमराज पर भी होता है कि जिसकी वजह से उसमें इंसान मुबतला हो जाता है। तीसरी तहकीक में से एक और पहलू जो सामने आया वो है कि जो लोग स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं उन पर, उन लोगों के मुकाबले जो लोग स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं गुजारते, उन लोगों के मुकाबले कमोबेश उनके जिस्म पर, उनके चेहरों पर 10 साल उम्र का ज्यादा इजाफा तेजी से हो जाता है। यानी कि दो लोग हैं 40-40 साल के, जिसने स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं गुजारी और जिसने स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी है वो 50 का लगेगा और जिसने नहीं गुजारी वो 40 साल का लगेगा। इसका ताल्लुक सफेद बालों से नहीं है, इसका ताल्लुक चेहरे की हशाशियत, हशाश बशाश चेहरे का होना, चमकदार होना, फ्रेशनेस होना चेहरे पर, और एक है कि चेहरे पर झुर्रियां और सलवटें आ जाना, वो स्ट्रेसेस का नतीजा है। तो इसलिए कई बार हम अल्लाह वालों को देखते हैं, हजूर शेखुल इस्लाम के चेहरे को देखते हैं, तो वो उम्र बढ़ते आसार चेहरे पर नजर नहीं आते, तो वो हर अगले साल हर उम्र बढ़ने के साथ साथ वो और चमकदार और नूरानी और हसीन होता चला जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। मैं आगे अब इसके सोल्यूशन की तरफ आऊंगा कि हमारे चेहरे ऐसे क्यों हो जाते हैं और उनका चेहरा ऐसा हर अगले साल बढ़ता क्यों जा रहा है, तो वजह क्या है। हालांकि जितनी मेहनत वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी है, जितने इंतजामी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस के अंदर वो रहे हैं, तो उसके बावजूद उसके असरात चेहरे पर और जिस्म पर नुमाया क्यों नहीं है, इस सोल्यूशन की तरफ आगे चल कर आएंगे। इसी तरह हाजरीन मुकर्रम, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेस के नतीजे में कमजोर हो जाता है इंसान का, जिसकी वजह से फिर हर तरह का मर्ज, वायरसेस, जरासीम सबसे पहले उसको घेर लेते हैं। इसलिए वो कई बार जब कोरोना वायरस आया था ना, तो कुछ लोग मजाक से कहते थे शहर में ये बीमारी शायद मेरे लिए आई है कि सबसे पहले मुझे आ घेरा है। तो क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसकी वजह से जो भी मर्ज शहर में दाखिल हो सबसे पहले वो उसको तलाश कर लेती है। तो ये भी स्ट्रेस का नतीजा है जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। अब इस स्ट्रेस का रिलेशनशिप्स पर भी बड़ा गहरा असर होता है, मियां बीवी के दरमियान, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, वर्क प्लेस पर। अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं तो आपके बिहेवियर में तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें ना कि किसी, आप अपने दोस्त को इमेजिन कर लें जो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, और जिसके नतीजे में जब आप उससे बात करेंगे वो झुंझलाहट के साथ जवाब देगा, वो कभी गुस्से के साथ जवाब देगा, कभी एग्रेसिव रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी बात को जल्दी समझेगा नहीं, बहुत जल्दी लड़ना शुरू कर देगा आपके साथ। तो नतीजतन क्या होता है, क्योंकि दोस्ती है तो कुछ अरसा तो इंसान निभाता रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलना जुलना कम कर देता है। वो कहता है कि कोई झगड़े की बात ही करनी है इसने, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अवॉइड करता है, उसका फोन कॉल नहीं लेता, फिर वो उससे मिलना जुलना अवॉइड करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि कहता है झगड़ालू आदमी है, जब बैठेंगे कोई ना कोई झगड़े की बात करेगा। अब ये क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेस के नतीजे में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उससे बिहेवियर में तब्दीली आ चुकी है, तो जब अपने दोस्तों के पास बैठेंगे उनसे उस बिहेवियर के असरात रूनुमा होंगे और वो नतीजतन आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। यही सूरत घर में शोहर और बीवी के दरमियान है। कोई भी एक इस मिजाज का होगा स्ट्रेस के नतीजे में, तो दूसरा शख्स आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है ये मेरी बात नहीं समझता, फिर उससे बात शेयर करना छोड़ देते हैं। जब शेयरिंग खत्म हो जाती है तो फिर कल्बी ज़हनी दूरी पैदा होना शुरू हो जाती है,
फिर वो शेयरिंग घरेलू जो एक बॉन्ड है मियां बीवी का, उसके बाहर दोस्तों में शुरू हो जाती है शेयरिंग। बीवी अपनी दोस्तों को बातें घर की करना शुरू करती है, शौहर अपने दोस्तों को करता है, और जहां पर होनी चाहिए बात वहां पर नहीं होती, आपस में दूरी पैदा हो जाती है। तो ये भी स्ट्रेस का नतीजा है कि इंसान क्योंकि स्ट्रेसफुल जिंदगी गुजार, यही औलाद और वालदैन के दरमियान भी दूरी का बाइस बन जाता है कि इंसान फ्रस्ट्रेटेड है। औलाद घर आके वालदैन से या वालिद से वालदा से कोई बात करती है, उसने झगड़ के गुस्से से जवाब देना है। बच्चों की हजार जायज नाजायज नासमझी की ख्वाहिशात भी होती हैं, उनको नरमी से समझाने की बजाय इंसान गुस्से से डांट के समझाता है, नतीजतन वो अपनी बात कहना छोड़ देते, करते फिर वही हैं जो उनके दिल में आता है, लेकिन फिर मुशावरत छोड़ देते हैं बच्चे, और फिर वो दूरी पैदा शुरू हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप्स को भी ये जो स्ट्रेस में रहना है ये तबाह कर देता है, चाहे वो दोस्त हों या फैमिली रिलेशंस हों। इसी तरह आपकी जॉब को मुतासिर करता है बुरी तरह, क्योंकि स्ट्रेस के नतीजे में सर दर्द रहता है, स्टमक एक्स रहती हैं, इंसान बहुत ज़्यादा जॉब से छुट्टियाँ करना शुरू कर देता है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो जॉब वाले भी खुश नहीं होते, उसका प्रोफाइल ख़राब होने लग जाता है, फिर नतीजतन स्ट्रेस इंसान को डिसाइसिव नहीं रहने देता, उसको एक कन्फ्यूज्ड शख्सियत का मालिक बना देता है। जो एक क्रिस्पी डिसीजन मेकिंग है वो उसकी ख़त्म कर देता है स्ट्रेस इंसान। ये बड़ी गौरतलब बात है, बहुत सारे लोगों में हम जब ये देखते हैं ना मसला कि क्रिस्पी डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसाइसिवनेस नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो एन मुमकिन है कि वो इंसान स्ट्रेस लेवल्स में बहुत हाई हो, नतीजतन वो स्ट्रेसेस उसको कन्फ्यूज्ड शख्सियत का मालिक बनाते हैं, वो फिर डिसाइसिव नहीं रहता कि फौरी फैसला किसी मसले पर कर दिया जाए कॉन्फिडेंस के साथ, वो शटर हो जाता है ग्रेजुअली। इसी तरह फिर लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देता है, ये शख्सियत के अंदर सिम्टम पैदा होता है। इमोशनल स्विंग्स घर में मियां बीवी के दरमियान भी, दोस्तों में भी, शख्सी स्विंग्स, एक दिन अचानक एक ही नशिस्त के अंदर बहुत हशाश बशाश भी है और दूसरी नशिस्त के अंदर अचानक गुस्से में भी आ जाता है, इसको इमोशनल स्विंग्स कहते हैं, इसका भी इंसान शिकार होता है। फिर कभी कभार मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस फील करता है कि मेरे इख्तियार में नहीं है, ये भी दर हकीकत ये स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है। नहीं तो अगर जब तक इंसान मायूस नहीं होता तो जितनी भी उसको मुश्किलात दरपेश हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल हों, चाहे तहरीकी तंजीमी ज़िंदगी में हों या घरेलू ज़िंदगी में हों, वो मायूस नहीं होता, वो कहता है नहीं इसका हल अल्लाह पाक निकालेगा, वो काम करता चला जाता है। मायूसी इंसान को तब घेरती है आकर जब वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है तो उसका नतीजा फिर इंसान मायूसी में मुब्तला हो जाता है। तो ये भी दर हकीकत स्ट्रेस का ही नतीजा होता है। इसी तरह वो उमूर, जैसे मैंने कुछ मिसालें बयान कर दी कि वो उमूर जो इंसान को स्ट्रेस में मुब्तला करते हैं, अंग्रेजी जबान में उन उमूर को स्ट्रेसर्स कहते हैं, स्ट्रेसर्स स्ट्रेस देने वाले, वो ट्रैफिक भी हो सकती है। अब ये आपकी लेवल ऑफ पेशेंस पे डिपेंड करता है कि किसी के लिए एक मसला स्ट्रेसर है तो किसी मजबूत शख्सियत के मालिक दूसरे शख्स के लिए वही मसला स्ट्रेसर नहीं है, वो इतना पेशेंस का मालिक है कि उसको वो चीज़ उसके लेवल ऑफ स्ट्रेस को टच नहीं करती, लेकिन कोई आदमी कमज़ोर शख्सियत का मालिक है तो उसके लेवल ऑफ स्ट्रेस को वो चीज़ बहुत तेज़ी से टच कर देती है और उसको डिस्टर्ब कर देती है। कई लोगों के लिए ट्रैफिक, ट्रैफिक के हॉर्न्स, ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना, वही स्ट्रेस का बाइस बन जाता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ और शोर मुझे तकलीफ देता है, वो उसके लिए स्ट्रेस का बाइस है। कुछ लोगों के लिए बेपनाह रोशनी स्ट्रेस का बाइस बन जाती है, किसी के लिए झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस का बाइस है। इसके नतीजे में फिर इंसान की नींद भी मुतासिर हो जाती है, इंसोमनिया का शिकार हो जाता है इंसान,
फिर नींद डिस्टर्ब रहने लग जाती है उसकी, और फिर वो अगला पूरा दिन उसका वो डिस्टर्बेंस में ही गुजरता है, क्योंकि फिर उसमें एक इजाफा नींद के ना पूरे होने का भी हो गया है, और वो नतीजतन। अब इन उमूर के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स वेस्टर्न मुहक्किकीन ने, मगरबी मुहक्किकीन ने सजेस्ट की है। मैं कुछ पहले वो सुनाता हूँ और उसके बाद फिर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें क्या सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात करेंगे। अब जो वेस्टर्न मगरबी मुहक्किकीन हैं, जो इन स्ट्रेसेस को और स्ट्रेसेस को डील करने के लिए जो कुछ तरीक़ेकार बताते हैं, टेक्निक्स, उनमें से एक है डीप ब्रीदिंग, यानी सांस लेने की एक्सरसाइज है, वो सजेस्ट करते हैं। अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने के बारे में सजेस्ट करते हैं वो लोग डॉक्टर्स, कि अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करें, उससे स्ट्रेसेस को डील करने की इस्तेदात पैदा हो जाएगी। फिर अपनी नींद को पूरा करने का कहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में काम के अलावा कोई ना कोई हॉबी लाजिमन रखने की सजेशन देते हैं, कि जो आपके लिए थकावट उतारने का सबब बनती हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई गेम हो, कोई ना कोई हॉबी ऐसी हो जो आपके लिए फरहत का बाइस बन जाती हो। इसके अलावा मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं, जिसको हम मुराकबा कहते हैं, कि ये मुराकबा इंसान को स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करता है और उससे छुटकारा हासिल करने में मदद करता है। इसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज, कुछ लोग जैसे सुबह की वॉक को आदत बना लेते हैं, जॉगिंग को आदत बनाते हैं, जिम को आदत बनाते हैं। ये वो उमूर हैं ये जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि जिससे इंसान के स्ट्रेस लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। सोशल सपोर्ट सिस्टम, अच्छे दोस्तों का हलका, जो आपको खैर की बात करें, आपके स्ट्रेस को बढ़ाने की वजह ना बने कि आप जब उनकी मजलिस में जाकर बैठें आपको वो और नेगेटिव बात करें, तो वो आपके स्ट्रेस को इनक्रीज कर रहे हैं। आपको मायूसी की बात करें, आपको और तंगी की बात करें, आपको स्ट्रेस देने की वजह बने, तो वो कहते हैं कि उन हलकों को छोड़ दें और उन हलकात को अडॉप्ट करें जो थोड़ी देर के अंदर, जो दिन भर के आपके स्ट्रेसेस हैं, अच्छी बातों से, खैर की बातों से, लाइट मजाक की बातों से आपकी उन स्ट्रेसेस को खत्म कर दें। तो वो कहते हैं कि ऐसे सपोर्ट सिस्टम लाइफ में अडॉप्ट किए जाएं, सोशल सर्कल्स, ना कि स्ट्रेस देने वाले। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, इंसान कारोबार करता है, बिजनेसमैन है, सारा दिन कारोबार की बातें की, फिर उसने दोस्त भी वही बनाए जिनके पास थकावट उतारने के लिए जाके बैठा, उन्होंने कुछ और कारोबार की बातें की, यानी उसको पिछली जिन बातों से थकावट का शिकार हुआ था वो थकावट उतारने की वजह ना बने, उसको और ज्यादा कारोबारी मशवरे दिए और उसको और तशवीश में और परेशानी में मुब्तला किया। अच्छा, इसने तो इतना ज्यादा कमा लिया, इसने तो इतनी ज्यादा तरक्की कर ली और मैं कहाँ खड़ा हूं, तो उसके लिए और स्ट्रेस देने की वजह बन गए। तो इसलिए सपोर्ट सिस्टम के बारे में वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अपने सपोर्ट सिस्टम और दोस्तों के हलके तब्दील करें, जिससे इंसान के वो स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो जाएं। अब इस तरह सोशल लाइफ है, औलाद नाफरमान है, वालदेन के लिए ये स्ट्रेस है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, वालदेन के लिए ये स्ट्रेस है, बच्चे तालीम में नालायक हैं, कामयाबी, आगे बड़े होकर क्या करेंगे, ये स्ट्रेस है। फिर जिस 1,000 तरह के इस तरह के उमूर सोचते चले जाएं, जॉब्स पर है तो मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, ये स्ट्रेस है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, ये स्ट्रेस है, मेरा मैनेजर बहुत सख्त है, करख्त है, मेरे साथ बड़ी सख्त बात करता है, रूड है, ये स्ट्रेस है, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा शौहर या मेरी बीवी, वो बड़ी करख्त है और वो बड़े गुस्से में बात करती है, मुझे सुकून का एक लम्हा नहीं लेने देता या नहीं लेने देती, झगड़ा करती है या झगड़ा करता है, ये स्ट्रेस है। फाइनेंशियल है, इतने सारे बिल अनपेड हैं, बिजली का बिल कैसे दूंगा, ग्रोसरी कहाँ से लाऊंगा, किराया घर का कहाँ से दूंगा,
1000 तरह के ये स्ट्रेसेस है कि डेथ हो जाती है, वो गमगीन हो जाता है तो ये स्ट्रेस है, कोई घर में करीबी बीमार हो जाता है, अलालत आ जाती है तो इस स्ट्रेस में मुब्तला है, कभी कोई बच्चा उसकी मौत वाकया हो जाती है, कभी किसी का रोजगार और जॉब चली जाती है, किसी को औलाद नहीं हो रही वो उस स्ट्रेस में मुब्तला है, किसी को अल्लाह पाक ने औलाद दी है औलाद नरीना नहीं दी वो उस स्ट्रेस के अंदर मुब्तला है। यानी 1,00,000 तरह के स्ट्रेस हैं, हमने भी अपने आप को कहाँ आज़ाद छोड़ा है। जो स्ट्रेस मिलता है हम कहते हैं कि हमारे लिए, हम उसमें मुब्तला हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेसेस हैं इस तरह के बेशुमार, नतीजतन इंसान फिर बीमार रहने लग जाता है, लोनलीनेस है, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं कुछ लोग, वो स्ट्रेस है। फिर अमूमन वो लोग बीमार रहना शुरू कर देते हैं और बीमार रहने के नतीजे में फिर लाइफ शॉर्ट हो जाती है, उम्रें लोगों की कम होना शुरू हो जाती हैं और फिर इर्द गिर्द भी लोगों के लिए जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं किसी के लिए कोई फायदे का बायस नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अपने आप को बेहतर अंदाज में मैनेज नहीं किया, अपने स्ट्रेस को लाइफ में बेहतर अंदाज में मैनेज नहीं किया, तो अपने साथ जुड़े हुए जितने लोग थे उन सबको मुतासिर किया, उनका भी नुकसान किया, बच्चे थे तो उनका बचपन तबाह किया, दोस्त थे तो दोस्ती तबाह की, ऑर्गेनाइजेशन में थे तो अपनी तंजीम को, ऑर्गेनाइजेशन को, उस माहौल को खराब किया। क्यों? सिर्फ एक, अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया और उसके नतीजे में ये मुश्किलात बढ़ती चली गई इंसान की। फिर जॉब्स के ऊपर, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है, मेरी सलाहियत कुछ और है, मुझे काम कोई और सौंप रखा है, एक एहसास दिल में और जहन में मुसलसल रहता है मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, अब जो अल्लाह पाक ने दिया उससे राजी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, मुझे तो कहीं और होना चाहिए था, तो बस उस स्ट्रेस में मुब्तला रहता मुसलसल। तो नतीजतन वो फिर सिवाय नुकसान के और उसको कुछ नहीं मिलता। तो ये तो कुछ डॉक्टर्स की बातें थी, रिसर्चर्स की और वेस्टर्नर्स की, साइंटिस्ट की, कि जिन्होंने स्ट्रेसेस को और स्ट्रेसेस को डील करने का एक तरीका और सलीका उसके ऊपर अपनी समझ के मुताबिक किया। लेकिन हतमी कलाम तो वही है जो खालिक कायनात फरमाए या जो आकल सलात व सलाम समझाए और अता फरमाए, क्योंकि मखलूक पैदा करने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। और फिर वो आयत मुबारका जो इब्तिदा में तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही फरमा रहा है, और ये कि वही खुशी देकर हंसाता भी है और गम देकर रुलाता भी है, तो फिर इसका इलाज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही खुद अता फरमा सकता है, क्योंकि वही हंसाता भी है वही रुलाता भी है। तो हाजरीन मुकर्रम, इसका इस्लामी इलाज और हल जिस पर अब बात करेंगे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता फरमाया हमें कुरान मजीद के अंदर और भी ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात मुकद्दसा के जरिए हमें अता फरमाया, वो है बैलेंस ऑफ लाइफ। किसी भी एक शय के पीछे हद से ज्यादा ना दौड़ना और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसलों पर राजी हो जाना और अपने आप को हर लम्हा कोशिश करके इस अमर पर आमादा करते रहना कि ये मेरे मौला का फैसला है, और उस पर राजी रहने की कोशिश करना और प्रैक्टिस करना। और फिर जो हतमी चीज जिसके अंदर तमाम मसाइल का हल है वो बैलेंस ऑफ लाइफ है, कि इंसान जिंदगी में दुनिया और आखिरत के दरमियान बैलेंस करना सीखे, उमूर दुनिया और उमूर आखिरत के दरमियान बैलेंस करे। ये हमारी अपनी गलतियों का ही नतीजा है कि इंसान जिंदगी के एक वक्त तक मुसलसल सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ता रहता है,
नतीजतन वो इतने स्ट्रेसेस का शिकार हो चुका होता है कि लेटर इन द लाइफ जब वो टर्न टुवर्ड्स आखिरत करता है तो अपनी जिंदगी के अच्छे साल स्ट्रेस में तबाह कर चुका होता है। और अगर यही बैलेंस वो आगाज सफर से ही अडॉप्ट कर ले, यानी कि उसकी जिंदगी में दुनिया और आखिरत की इंपॉर्टेंस बराबर हो जाए, वो आधा वक्त दुनिया के लिए भी सर्फ करे और उतना ही वक्त आखिरत के लिए भी सर्फ करे, और उसकी जवानी से ही ये मामूल हो जाए, तो फिर उसकी जिंदगी के कीमती साल जाया नहीं होते। वो स्ट्रेसेस का शिकार होकर अपनी जवानी को जाया नहीं करता, अपने ताल्लुकात को जाया नहीं करता, अपनी घरेलू जिंदगी को जाया नहीं करता। जब 20, 30, 40 साल बर्बाद कर चुके होते हैं और फिर ये नुस्खा समझ आता है, तब तक वो गुजरे हुए साल तो वापस नहीं आते, हाँ बुढ़ापे से पहले चंद साल बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उन स्ट्रेसेस के नतीजे में कितने दोस्त जाया किए, कितने बच्चे औलाद उनके बिहेवियर्स जाया कर दिए, कितनी डीलिंग्स और ताल्लुकात जाया कर दिए, तंजीमी जिंदगी के अंदर अपना इमेज बर्बाद कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना इमेज तबाह कर लिया, वो उसकी वापसी नहीं होती, वो जाया हो चुका होता है। इसलिए तो कुरान मजीद में नहीं अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی اپنی دنیا، اپنی آخرت اور اپنی قبر تینوں کو برابر زندگی میں یاد کرتے رہتے ہیں اور کسی ایک سمت پر اپنا جھکاؤ زیادہ نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی خیر مانگتے ہیں اور خیر کے لیے امور انجام دیتے ہیں، آخرت میں بھی خیر مانگتے ہیں اور خیر کے لیے انجوم صالحہ، امور صالحہ انجام دیتے ہیں، اور اپنی قبر بھی اچھی مانگتے ہیں اور اس کے لیے بھی نیک اور اعمال صالحہ میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ جو سٹریسز اب ہمیں آ رہے ہیں، اب قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں سمجھتے ہیں، اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے یہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچی ہے تو وہ اس بد اعمالی کے سبب سے ہی پہنچی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے یہ جن سٹریسز کا تم شکار ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے ہیں، کسی نے تمہارے اوپر اضافی نہیں لادے یا ناجائز نہیں لادے، یہ اپنی زندگی کے غلط فیصلے ہیں، یہ اپنی زندگی کے ناسمجھی پر مبنی فیصلے ہیں جن کے نتیجے میں آج مبتلا ہو۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، اپنے فیصلوں کا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے، کوئی نہ کوئی زندگی میں کندھا ڈھونڈتا ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اس نے مجھے ایسے فیصلے پر مجبور کر دیا، اس کی وجہ سے میں نے ایسا فیصلہ کیا، میرے ساتھ یہ نقصان ہو گیا، کچھ نہ کچھ سبب وہ تلاش کرتا ہے اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے یا وہ کسی سٹریس کا شکار ہے، فیصلے اس کے اپنے۔ ورنہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بہت ساری کمزوریاں تو وہ معاف فرما چکی ہوتی ہے، جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے یہ وہ معاف فرمائے جانے کے بعد اس کا اوور فلو ہے، یہ وہ زائد امور جو بچ جاتے ہیں معافی کے بعد وہ تمہیں پہنچتے ہیں جن کے سٹریسز کے اندر شکار ہو جاتے ہو۔ اگر وہ تمام امور جو روز مرہ زندگی میں ہم اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجتے ہیں، اگر اللہ پاک ان میں سے کچھ بھی معاف نہ فرمائے اور سب کچھ ہماری طرف لوٹا دے تو سوچیں انسان کا کیا بنے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان میں سے تو بہت سارے ایسے امور ہیں جن سے ہم نے درگزر کر دیا ہے، اس کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے وہ سٹریس بن کر تمہاری طرف لوٹ آتا ہے جس کا تم شکار ہو جاتی ہو۔ ورنہ اللہ پاک ایک اور مقام، جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک تو کسی کو
کسی کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. اب اس کے اندر جواب بھی پوشیدہ ہے کہ جو سٹریسز جن میں ہم مبتلا ہیں وہ پھر ہماری استطاعت سے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ مولا نے فرمایا ہے ایسا, اللہ کی ذات نے ایسا جب فرما دیا ہے تو ہم اس کو ڈیل کرنے میں صحیح اسٹریٹجی اور حکمت اڈاپٹ نہیں کر رہے, نہیں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک تو فرمائے کہ انسان کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا اور کوئی شے اس کی استطاعت سے زیادہ دے دی جائے. یہ ہے کہ شاید وہ اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کر پا رہا, پوری طرح اس کو اینالائز نہیں کیا, اسیس نہیں کیا, یا پرو پراپرلی اپنی اسٹریٹجی کو اور اپنی استطاعت کو پوری طرح بروئے کار نہیں لایا. نہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ پاک بوجھ نہیں ڈالتا. اب حاضرین گرامی, اب اسلام جب سٹریس کو مینجمنٹ, سٹریس مینجمنٹ کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے تو وہ دونوں پہلوؤں پر بیک وقت کلام کرتا ہے. جب ڈاکٹرز یا ویسٹرن سائنٹسٹ یا اسکالرز یا انٹلیکچوئلز بات کرتے ہیں تو وہ پریزنٹ سرکمسٹانسز کے اندر مبتلا ہیں تو سولوشن کی بات کرتے ہیں, جبکہ اللہ پاک دونوں پہلوؤں پر بیک وقت کلام فرماتا ہے, کیونکہ یہ ایسا نظام حیات ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی صورت میں عطا کیا ہے کہ جس کے اندر مسئلہ درپیش آنے سے پہلے علاج موجود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ بتائے ہوئے رستے پر پہلے دن سے عمل کر لو تو وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا. جبکہ دنیا جو ہے یا دنیا کا جو اسکالر ہے وہ مسئلہ جب رونما ہو چکا ہوتا ہے تب اس کی نگاہ میں آتا ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جانتے ہیں, اس لیے وہ مسئلہ پیش آنے سے پہلے سکھاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا, نہیں تو ان مسائل کا شکار ہو جاؤ گے. مثال کے طور پر اب جیسے ایک سٹریسر ہم نے ڈسکس کیا, میاں بیوی بی کی زندگی ہے, اس کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور بیشتر سٹریسز کے اندر وہ میرڈ لائف شکار بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج تک 60% میمز کا بنیادی موضوع جو مزاح کا ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشنز ہوتے ہیں عموماً. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک میجر مسئلہ ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تعلیمات عطا فرما دی کہ جب تم شادی کے لیے اپنے زوج کا انتخاب کرو تو کیا دیکھو. اب کیونکہ ہم جب نہیں مانتے تو وہ سٹریس نے تو آنا ہے, تو پہلے تعلیم دی کہ سیرت دیکھو, صورت نہ دیکھو. ہم جدھر شادی کر رہے ہیں اس کی مالی پوزیشن دیکھتے ہیں, بیٹی والے ہیں تو بیٹا جاب کتنی اچھی کرتا ہے, کماتا کیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہتر وسائل ہی صرف ہماری بیٹی کو سٹریس سے دور رکھ سکتے ہیں. مالی کیفیت نے تو بدل جانا ہے, لیکن اگر وہ سیرت کا خراب ہوا تو جتنے مرضی پیسے بھی آ جائیں تو وہ زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی. اگر کوئی شوہر ہے, مرد ہے, وہ زوج ڈھونڈ رہا ہے, خاتون کر رہا ہے تلاش یا رشتے کے لیے جاتا ہے, وہ خوبصورتی دیکھتا ہے, سیرت نہیں دیکھتا, تو خوبصورتی نے تو ایک دن ڈھل جانا ہے, لیکن سیرت نے اسے بھی فائدہ دینا ہے, اس کی اولاد کو بھی فائدہ دینا ہے, لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سے نظر اندازی کرتے ہیں تو پھر سٹریس نے تو آنا ہے. یہ پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کیا کرو. پھر والدین کے لیے ہے, ہم دیکھتے ہیں بچہ سرکاری ملازم ہے, اچھی پوزیشن پر ہے, آگے اب رشوت لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. اس رشوت کے نتیجے میں جب اس کا خاندان برباد ہوگا وہ منظر نہیں دیکھ رہے, جو بیماریاں گھر میں آئیں گی, اور پھر ہماری یہی بیٹی پریشان ہوگی اپنے بیمار بچوں کو دیکھ کر, اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے, اس کی جوانی کے چند سال مالی حوالے سے اچھے گزر جائیں گے اس کی طرف نگاہ ہے, تو اس کے انتخاب میں ہم نے محنت نہیں کی. پھر
स्ट्रेसर एक और नाफरमान औलाद है। जब औलाद को बचपन में फरमा बरदारी सिखाई ना हो, उनकी तरबियत ही ना की गई हो, बचपन से उनको नमाज की आदत ही ना डाली गई हो, बड़ों से कैसे बात करना है वो ही ना सिखाया गया हो, अपने साथ बचपन में मस्जिद में ना लाया हो, महाफिल में ना बिठाया हो, आका ने सलातो वसलाम की गुलामी में ना दाखिल किया हो, तो उसने स्ट्रेस ही देना है और बड़े होकर क्या करना है। तो बाद में अगर जब अपनी ही तरबियत की कोताही की वजह से औलाद नाफरमान हो जाएगी या दीन पर नहीं चलेगी, उसके बाद जब उस औलाद को बड़े होकर तबाह होता देखेंगे, उसके नतीजे में जो स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस का डॉक्टर क्या इलाज करे? नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि आपको नींद की गोलियां देगा कि ताकि भाई अब जो कुछ मंजर है ना देखा करो, सो जाया करो, अब जो होना है वो तो होना है, अपनी आंखें बंद कर लो। उसके पास यही इलाज है कि वो दवाई दे दे, लेकिन अब जो गुजर गया उसने वापस नहीं आना। तो इस्लाम कहता है कि वो उमूर जिनसे स्ट्रेस पैदा होना है उसके बारे में पहले ख्याल कर। फिर आकर सलातो वसलाम ने तालीमात अता फरमाई, मियाना रवि का दर्स दिया, अपने अखराजात को मुनासिब तरीके से खर्च करो। लेकिन हम लोग पैसे आ जाएं तो फजूल खर्ची कर देते हैं, पैसे ना आए तो फिर शिकवा शिकायत और तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सही करते तो उसके नतीजे में किसी भी स्टेज पर जब फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा तो फिर इंसान कहता है कि मैं अब तकलीफ में हूं, लेकिन उस वक्त अल्लाह और उसके रसूल ने जो उसे तालीम दी वो नहीं समझा। जब तालीमी जिंदगी के अंदर था, स्टूडेंट था, वो मेहनत करने के साल थे, नौजवानों से बात कर रहा हूं, उस वक्त तो पढ़ाई नहीं की, फिर जब थोड़े मार्क्स के साथ डिग्रीज कर ली और एक दरमियाना सा कैरियर बन गया, उसके बाद स्ट्रेस में मुब्तला है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है, जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं होती। जब जवानी थी उस वक्त मेहनत नहीं की, उस वक्त कंपीट नहीं किया, उस वक्त अच्छे मार्क्स नहीं लाए, उस वक्त आला तरीके के साथ डिग्री को मुकम्मल नहीं किया, जब फरागत के औकात थे उस वक्त ज्यादा स्किल सेट को एंगेज नहीं किया, उस वक्त खेलने में मसरूफ रहे, घूमने फिरने में मसरूफ रहे, तो एक मेडियोकर सा कैरियर बन गया, दरमियाना सा। जब दरमियाना कैरियर बन गया, बड़े हुए, फिर अल्लाह पाक से मांगा कि मेरी जरूरियात जिंदगी वैसे पूरी कर जैसे फलां टॉपर की करता है, जिसने मेहनत की है जवानी में, और जिसने नहीं मेहनत की तो वो फिर हम उसको मैच करना मांगते हैं। फिर उन बैलेंसेस को अचीव करने के लिए इंसान फिर हराम कमाने की तरफ जाता है, फिर रिश्वत सतानी की तरफ जाता है, हराम खोरी की तरफ जाता है, फिर वो एक और स्ट्रेस की बुनियाद रख रहा है। उसके नतीजे में देर सवेर उस पर इल्जामात भी आएंगे, जग हसाई भी होगी, उसकी बेइज्जती भी होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, जेलों के मुंह भी होंगे। उस वक्त फिर अगले बड़ी तकलीफ और स्ट्रेस की बुनियाद डाल देता है, एक परेशानी और एक स्ट्रेस से निजात के लिए दूसरे स्ट्रेस की बुनियाद डाल देता है, फिर उस दूसरे स्ट्रेस से निजात के लिए तीसरे स्ट्रेस की बुनियाद डाल देता है। यही अल्लाह पाक फरमाता है, जो कुछ है ये तुम्हारे अपने हाथ का भेजा हुआ है, खुद कमा कर आगे भेजते हो, फिर उसमें से जब कुछ लौट आए तो फिर शिकवा करते हो। तो इस्लाम सबसे पहले तो उन उमूर से समझा कर कि इन उमूर में नहीं दाखिल होना, ये तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देंगे, उससे पहले रोकता है ताकि इंसान को उन स्ट्रेसेस से वैसे ही निजात मिल जाए और फिर रेगुलर स्ट्रेसेस बच जाएं जो इंसान से काम के मुतल्लिक है, वो मेहनत करता है, मिशन है, या मुल्क की हालात सडनली पैदा हो जाते हैं, या अखलाकी दीनी हवाले या महाज से कोई मुश्किलात आ जाती हैं, तो वो फिर वो स्ट्रेसेस हैं जिन पर उसका कोई अमल दखल नहीं है, फिर उसके लिए वो 50% ऑफ द लोड बचता है जिसको उसने डील करना है, उसके अपने हाथ का कमाया हुआ अब नहीं है। लेकिन जब अपने हाथ से भेजे हुए उमूर भी हों वो भी स्ट्रेस बनकर लौटें और फिर बाकी दुनिया के नेचुरली जो सर्कमस्टांसेस डेवलप होने हैं उसके नतीजे में जो मसाइल हैं वो भी लौटें,
तो फिर इंसान दुश्वारी और परेशानी का शिकार हो जाता है। इसी तरह घर में ख्वातीन के यहाँ ये बड़ा मसला है कि शौहर मुश्किल से कमाता है लेकिन बेदरेग ख्वातीन खर्च करती हैं, फिर उस ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर फिर झगड़ा है, शिकवा है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फिर इरशाद फरमाता है और शौहर को तलकीन कर रहा है कुरान मजीद में अल्लाह पाक कि जितना तुम्हें वसाइल और इस्तेताअत दिया उसके मुताबिक खर्च करो, किसी के दबाव या प्रेशर में आकर ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेकर ऐसे अखराजात न कर लो जिसकी वजह से फिर एक और स्ट्रेस में मुब्तला हो जाए। तो एक बैलेंस ऑफ लाइफ अचीव किया जाए ताकि इंसान अपने चादर के मुताबिक एक जिंदगी गुजारे और उसी पर अपनी औलाद और घर वालों को भी ट्रेंड करे। तो ये बेसिक अमूर हैं जिसके ऊपर इस्लाम हमें तालीम देता है कि पहले से उस पर अमल दरामदगी कर ली जाए तो जिंदगी के अंदर आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे औलाद है, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक वालिद शिकायत लेकर आ गया कि ये बेटा मेरा अदब नहीं करता, मेरा गुस्ताख है, मेरे साथ बदकलामी करता है, ऊंचा बोलता है और तकलीफ देता है। आकर सैयदना अबू बकर उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे से पूछा कि तुम ऐसा बाप के साथ क्या करते हो, तो उस बेटे ने सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन जरा मेरे वालिद से पूछें कि जिन अच्छी खसूसियात का आज मुझसे तकाजा कर रहा है इसने ये सिखाने में बचपन पे वक्त कितना सर्फ किया, मुझे आज मुझसे जो मांगता है क्या इसने बचपन में मुझे दिया, ये सिखाया मुझे। सैयदना उमर फारूक ने उसके वालिद की तरफ चेहरा कर लिया और पूछा कि बताओ बचपन में शुस्ता कलाम करना लाया था। परहेजगार नहीं थी और जादू टोने करने वाली थी, उस बच्चे ने कहा। तो उस मां के बतन से मुझे पैदा करके आज इज्जत कहां से मांगता है मुझसे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये सही कहता है। इससे फिर कहा कि मेरे वालिद से पूछें इसने मेरा नाम क्या रखा, उस नाम में कोई दीन की बरकत या निस्बत है। आज ये बड़ी गौर तलब बात है अपने बच्चों के, जब घरों में बच्चे पैदा होते हैं ना, आज अजीब अजीब नाम ढूंढ कर लाते हैं हम, यूनिक नाम जिसका माना ही कई बार बेहुदा माना। एटलीस्ट आजकल के रखे गए नामों में उनमें कोई मुबारक निस्बत नहीं होती। कुरान मजीद के अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कुरान मजीद के सीखों पे नाम रख लेते और कहते हैं कि ये कुरान मजीद से लफ्ज लिया है, लेकिन उनका रब्त नहीं है, उनका कोई माना नहीं है, उनकी कोई निस्बत नहीं है। जबकि आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये औलाद के हुकूक में से है कि उनको अच्छा नाम दिया जाए। इस वजह से क्यों अहले बैत अतहार के मुबारक असमा पर नाम रखे जाते हैं, साहबा कराम के नामों पर रखे जाते हैं, बुजुर्गाने दीन के नामों पर, क्योंकि मुबारक नाम की भी तासीर होती है। सिर्फ नाम ही काफी नहीं रहता, उसके साथ तरबियत और दीगर अमूर भी जरूरी हैं, लेकिन बहर सूरत मुबारक निस्बत पर रखा हुआ नाम भी कुछ ना कुछ किरदार लाजिमन अदा करता है। तो उनने पूछा कि मेरे वालिद से पूछे कि अपनी जिम्मेदारियां ये अदा की थी जिस पर आज तकाजा करते, उसने कहा मैं ये अदा नहीं कर सका। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि फिर ये अलग बात है कि ये बेटा तुम्हारा फिर भी गुनाहगार है, क्योंकि एडल्ट है, ये फिर भी गुनाहगार है अगर ये तुम्हारा अदब नहीं करता और गुस्ताख है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जवाबदेह है, लेकिन तुमने अपना हक अदा नहीं किया, तुम्हारा तकाजा नहीं बनता, इसको अपने हिस्से का गुनाह मिलेगा लेकिन तुम्हारा तकाजा नहीं बनता, तुमने अपना अपने हिस्से की तरबियत बच्चे की नहीं की, इसके नतीजे में स्ट्रेसेस आते हैं, तो इंसान उन स्ट्रेसेस का खुद जिम्मेदार हो जाता है। अब जब इंसान इन स्ट्रेसेस में मुब्तला हो चुका, अब कुरान मजीद हमें क्या तालीम दे रहा है कि क्या किया जाए।
इसके लिए जैसे वो डॉक्टर्स ने मेडिटेशन सजेस्ट की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम की असल में और बुनियाद में पांच वक्त मुराकबा रख दिया है और मेडिटेशन रखी है जो नमाज है। मेडिटेशन क्यों? कि तमाम स्ट्रेसेस को जहनों से निकाल दें और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अपने फोकस को पुख्ता कर लें, हर ख्याल से अपने जहन को खाली करके यकसुई के साथ कुछ वक्त जहन को किसी ऐसी बारगाह में है, स्ट्रेस नहीं मिलता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, वो ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात है, वो शेख की बारगाह है कि जहां से सिर्फ मोहब्बत, बरकत, शफकत और खैर है, नूर है, तकलीफ, स्ट्रेस, परेशानी नहीं है। तो मुराकबा ये है। तो नमाज से बढ़कर मुराकबा क्या है कि जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि दिन में पांच मर्तबा जब जब फिर तुम्हारा दिल बोझल हो जाए, जहन बोझल हो जाए, दुनिया की तकलीफों मुश्किलात से जहन भर जाए, तो मेरे हुजूर आ गया करो, कुछ देर पांच सात मिनट का मुराकबा कर लिया करो, नमाज पढ़ा करो, आंखें के मेरे हुजूर आ गया करो, मेरी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर लिया करो, अपनी निगाहों को मेरे अर्श की तरफ जमा लिया करो, मेरे नूर का अपनी आंखों से मुशाहदा किया करो और फिर मुझसे हम कलाम हो जाया करो, फिर मेरे कुरान से मेरी तिलावत किया करो, कलाम पढ़ा करो, मेरी सूरतें पढ़ा करो, मेरा इस्म जिक्र किया करो और मुझे याद करते रहा करो और हर याद भुला दो। ये तुम्हारा स्ट्रेस खत्म करेगी। यानी अल्लाह पाक को पता था इंसान खताकार है, इसने हर लम्हा स्ट्रेस में रहना है। अल्लाह पाक ने स्ट्रेस का इलाज दिया है। इस नमाज को स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज के तौर पर भी अगर कर लिया करें तो इससे बेहतर कोई शय नहीं है। यकसुई के साथ नहीं बनेगी, उसके बरक्स हर शय को पीछे छोड़ दिया। जब नमाज में दाखिल हो गए तो दारुल अमान में दाखिल हो गए कि अब यहां अमान है, यहां पर अमान है। आला हजरत का क्या शेर है कि तेरे लिए अमान है, पहला मिसरा क्या है उसका, तू है अब्द मुस्तफा, तू है, कितने प्यारा तखय्युल है। यानी अब्दुल्लाह तो इंसान होता ही है, वो कहते हैं क्योंकि तू है, पहला मिसरा मैं सही नहीं बोल रहा लेकिन मफहूम उसका, क्योंकि तू है अब्द मुस्तफा, तू हुजूर का बंदा है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए इन गमों से बन जाए, हुजूर का सच्चा बंदा बन जाए तो फिर अमान है। तो वो नमाज दारुल अमान है, इसमें इंसान दाखिल हो जाए, हर ख्याल को तर्क कर दे, कुछ बाकी ना रहे, सिर्फ यार का ख्याल बाकी रहे। फिर उसके बाद जब तशहुद में बैठता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है, फिर हुजूर का ख्याल आ जाए, हुजूर के हसीं मुखड़े का ख्याल आ जाए, रोजाए पाक का ख्याल रहे, तो फिर हर गम खुद ब खुद, और दिन में पांच मरतबा बाकायदगी से बिला नागा, यहां पर बहुत से नौजवान बैठे आपसे मुखातिब हो, बिला नागा अपनी जिंदगी में इसको पुख्ता कर ले कि कुछ छूट जाए, नमाज ना छूटे, और ताकि ये दारुल अमान है, यानी स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है एक और मुकाम पर, दूसरी टेक्निक, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मुझसे मदद चाहा करो। यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। यानी नमाज से अपनी तकलीफों में नमाज के जरिए मुझसे मदद चाहो। हमारा रवैया इसके बरक्स है, जब स्ट्रेसेस का शिकार मेरा इस किसी काम का दिल ही नहीं करता, नमाज पढ़ने का भी दिल नहीं करता, जिक्र अजगार का भी दिल नहीं करता, बेयकीनी की कैफियत में मुबतला हो जाते हैं, बेचैनी और बेसकूनी की कैफियत में मुबतला हो जाते हैं, जबकि उससे ज्यादा बेहतर मौका और कौन सा आना है कि जब
انسان اللہ رب العزت کے حضور مراقبے کی حالت میں لوٹ جائے, نماز کی حالت میں اس کی حروز حاضر ہو جائے, اور پھر اس کے حضور مناجات کرے, دعا لاتا ہے. اب یہ میرا رونا ہنسی سے تبدیل کر دے, میرے دکھ اور غم اب آسانی سے بدل دے, پریشانیوں کو خوشی اور راحت سے بدل دے. جس نے دینا ہے اس کے ساتھ پختہ تعلق جوڑ لے. دائیں بائیں 100 طرح کے 100 چوکھٹوں پر دھکے کھاتے ہیں, جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ہم ان سٹریسز کو دور کرنے کے لیے مالی مشکلات دیگر مشکلات 1000 در کے در بدر دھکے کھاتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. اس کی بجائے اگر ایک بارگاہ کا سجدہ پختہ کر لیں, اس کے ساتھ تعلق نسبت محبت سچی کر لیں, تو وہ ہر طرح کے سٹریس اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے. اگر ریسپانس نہیں آ رہا تو فرماتا ہے کہ بس نماز قائم رکھو اور صبر کرو, اللہ پاک تمہاری ان تکلیفوں کو دور فرما دے گا. پھر فرماتا ہے کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی اپنے آپ کو سٹریس ریلیونگ ایکسرسائز اس طرح کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک اور بڑا اہم حصہ جو ہے, تیسرا سبق جو قرآن مجید سے سٹریس ریلیونگ کے لیے ہمیں ملتا ہے, وہ توکل اللہ ہے. توکل انسان کا پختہ ہو جائے کہ میرا مالک ہی دینے والا ہے. عوام الناس میں اور اہل اللہ میں بنیادی فرق کیا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ صاحب مشاہدہ جن کو کہتے ہیں, ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا, فلاں شخص صاحب مشاہدہ ہے, مشاہدہ والا ہے. ایک ہوتا ہے صاحب مجاہدہ, محنت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, اور ایک کہتے ہیں کہ صاحب مجاہدہ کے بعد اب وہ صاحب مشاہدہ ہو گیا ہے. وہ صاحب مشاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عالم اسباب میں تصور تصرف الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے, وہ صاحب مشاہدہ ہے. کہ عالم اسباب میں دنیا میں در حقیقت براہ راست اللہ رب العزت کی انوالومنٹ کے ساتھ امور کی انجام دہی کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا, وہ صاحب مشاہدہ ہے. وہ آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے, وہ آنکھوں سے اس کے لیے اللہ رب العزت شر کو خیر سے کیسے تبدیل کرتا ہے اس منظر کو دیکھتا ہے. وہ آنکھوں سے ہر کی گئی سازش کو اس کے لیے گلزار بنتے دیکھتا ہے, وہ مشاہدہ کرتا ہے, اور ہر عمل کی انجام دہی میں اسے اللہ رب العزت کا ہاتھ کار فرما نظر آتا ہے. یعنی اس کی نگاہ میں اب ہوتا ہے, اب وہ دنیا کے اسباب پر اس کی نگاہ نہیں رہتی. اس کے لیے جب کچھ پہنچتا ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات کو کار فرما دیکھتا ہے کہ یہ میرے مولا کا امر تھا اس لیے ایسا ہوا, یہ میرے مولا نے میرے لیے مقرر کیا ہے اس لیے مجھے پہنچا ہے, یہ خیر میرے مولا کا فیصلہ ہے, یہ میرے مولا کی مدد ہے میرے لیے جو اتری ہے. ہر عمل ہر لمحے میں اپنی صلاحیت نہیں دیکھتا کسی دوسرے کے معاملے کو. اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیں, وہ بھی کمزوری ہے, لیکن ہر عمل میں, یعنی اللہ رب العزت نے اسے توفیق دی کہ اس نے میری مدد کر, تو ہر عمل کے پیچھے پھر اپنے خالق اور مالک کو کار فرما دیکھتا ہے, تو وہ پھر مشاہدہ کرتا ہے. اس لیے توکل اللہ کی ذات پر انسان جتنا مضبوط کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی اہل اللہ بزرگان دین ان کی زندگیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں, ان کی زندگیوں سے تکلیفیں دور نہیں ہو جاتی. دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے, اس کے حصے کی تکلیفیں تو آنی ہیں, لیکن ان تکلیفوں کا رنج اور غم, خوف اور غم دل کو نہیں گھیرتا, وہ دل بے نیاز رہتا ہے, دل اللہ رب العزت کے حضور گم رہتا ہے. وہ دنیا کے امور کو ڈیل کرتے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے چہروں پر پھر فرحت رہتی ہے, حضور شیخ الاسلام کی طرح کے چہرے ہوتے ہیں.
चमकदार रहते हैं। कायनात की जितनी तकालीफ परेशानियां भी टूट जाएं, वो क्योंकि तवक्कुल इतना पुख्ता है, अल्लाह के साथ निस्बत इतनी पुख्ती है कि वो दुख दिल को नहीं छूते, वो डील करने के लिए होते हैं, उनको डील कर लिया जाता है लेकिन दिल को नहीं छू पाते, वो बेनियाज रहते हैं और मजबूत रहते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रास्ते की तरफ हमें हिदायत फरमा रहा है कि गम आने हैं लेकिन अपने दिलों को उसके हुजूर मजबूत कर लो, अपने दिलों को पुख्ता कर लो, तवक्कुल का दर्स पका लो, पुख्ता कर लो, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ इस तरह जोड़ लो कि फिर जब भी कोई तकलीफ पहुंचे उसके हुजूर हाजिर हो जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सारी खसूसियात में से आपके बारे में जो जिक्र में आता है, एक खास खसूसियत यह भी थी कि कोई छोटी से छोटी खबर भी तकलीफ की पहुंचती तो उसी वक्त फिर मुसल्ले पर नमाज के लिए आप तशरीफ ले जाते। कसरत नमाज यानी कुरान मजीद का इस हुक्म को कामिलन अपनी जिंदगी का लिबास आपने बना रखा था, सब्र और नमाज, इसलिए कि शहादत के वक्त भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज है और फिर उससे पहले का पूरा सफर सब्र वाला है। तो सब्र और नमाज यानी अल्लाह से मांगो, उससे जुड़ जाओ और सब्र किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दो तरीकों के साथ तकलीफों को दूर फरमा देगा। और आखिरी बात, कुरान मजीद के बहुत सारे मुकामात हैं, इस मौजू पर बात देना किसी वक्त और भी तफसीलन बात करेंगे। आखिरी बात, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे मुकामात हैं, अमूमन हमने एक आयत मुबारका तो हमने सुन रखी है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि औलिया अल्लाह वो हैं कि जिन्हें ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई और मुकामात पर कुरान मजीद में इसी तरह के अल्फाज इरशाद फरमाए हैं और मुख्तलिफ सूरतों में इरशाद फरमाए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किन किन लोगों को खौफ और गम से निजात अता फरमा देता है। जैसे एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कि हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे, जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना उन पर कोई खौफ तारी होगा और ना वो गमगीन होंगे, यानी उनके लिए भी ये खुशखबरी फरमाई। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए, जो नसरानी हुए, जो साबी थे, इनमें से जो भी अल्लाह पर और आखरत के दिन पर, इनका जिक्र हो रहा है इनकी उम्म के दौर में, अब मुसलमानों के लिए हुजूर की उम्मत का जिक्र है, और आखरत के दिन पर ईमान लाया और अच्छे आमाल किए तो उनके लिए इनके रब के हाँ इनका अजर है और इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन हो। ने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया यानी खुद को अल्लाह के सपुर्द कर दिया और वो साहिब एहसान हो गया, उसके लिए उसका अजर उसके रब के हाँ है और ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ है और ना वो रंजीदा होंगे। तो हाजरीन मुकर्रम, कई मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खौफ, ना वो खौफ ज़दा होंगे ना रंजीदा होंगे, हर अजर और अजर अजीम के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नेमत का जिक्र किया है। इससे बात समझ आती है, ये जो जिंदगी के स्ट्रेसेस हैं ना, ये खौफ और गम का ही नतीजा है। कुछ स्ट्रेसेस खौफ की देन है और कुछ स्ट्रेसेस गम की देन है। जब इंसान चीज खौफजदा होता है, फलां चीज ना छूट जाए, फलां चीज ना जाया हो जाए, तो खौफ उसको स्ट्रेस में मुबतला करता है, और जब कोई चीज रूनुमा हो जाती है तो फिर गम उसे स्ट्रेस में मुबतला करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमाले सालेहा करने वाले, उस पर ईमान लाने वाले, उसकी तरफ अपने चेहरे कर लेने वाले, अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जे हो जाने वाले, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले, उन तमाम लोगों को खुशखबरी अल्लाह पाक ने सुनाई है कि जब मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा तो फिर मैं तुझे नेमत अजीम दूंगा। और इस दुनिया में हाजरीन मुकर्रम,
نعمت عظیم در حقیقت خوف اور غم سے نجات ہے. آخرت کی نعمتیں جنت ہے, آخرت کی نعمت دیدار الہیہ ہے, آخرت کی نعمت جنت الفردوس ہے, آخرت کی نعمت حور و قصور ہے, آخرت کی نعمت باغات جنت ہے, آخرت کی نعمت جنت کی نہریں ہیں, حسین مناظر ہیں, اللہ رب العزت کی قربت ہے, صحبت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہاں بیٹھ کر محافل ہے, دیدار مصطفی سے سیراب ہونا آخرت کی جنتوں میں, آخرت کی نعمتوں میں سے ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی پر احسان عظیم کرنا ہو اس کی زندگی میں, تو سب سے بڑی نعمت کسی سے راضی ہو کر وہ کیا دیتا ہے, تو سب سے بڑی نعمت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے, کہ اللہ پاک اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے خوف اور غم سے نجات دے دیتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اس کے لیے خوف کے معاملات رونما نہیں ہوں گے یا اس کے لیے غم دینے والے واقعات نہیں ہوں گے, نہیں, اس کے لیے خوف بھی آئے گا, اس کے لیے غم بھی آئے گا, وہ اس کو ڈیل کر لے گا, خوف اور غم اس کے دل تک نہیں پہنچ پائے گا. تو حاضرین گرامی, تو دنیا میں سمجھ لیں, کیونکہ دنیا میں انسان دوزخ, جو دوزخ ہے نا, دوزخ کا ایک پارشل منظر, پارشل منظر, جزوی حصہ دوزخ کا انسان کی ذہنی دباؤ ہے. جو اس دنیا میں ڈپریشن ہے, ذہنی دباؤ ہے, ذہنی اذیت ہے, فرسٹریشن ہے, یہ دوزخ کا پارشل سا منظر ہے جو اس کو دنیا میں دیا جاتا ہے. اور اس سے نجات بھی اللہ رب العزت نے جنت کی راحتوں میں سے بھی اسی دنیا میں رکھی ہے. جو اس کا مقابلہ کرتی ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے, کہ اللہ پاک جب خوف, غم اور سٹریس اسے ڈرانے آتے ہیں, پریشان کرنے آتے ہیں, تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی شیلڈ اسے بچانے آ جاتی ہے, اگر اللہ پاک نے اسے مہیا کر رکھی ہو. تو جن لوگوں پر اللہ پاک احسان عظیم فرماتا ہے ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تحفہ عطا فرما دیتا ہے, پھر وہ سٹریسز سے آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے سفر نماز ہے, دعا ہے, ایمان ہے, توکل اللہ ہے, للہیت ہے, اور پھر دنیا کے اندر وہ تمام ہدایت کے امور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا ہے, کہ یہاں تک کہ بذریعہ استقامت اللہ پاک اس کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تحفہ عطا فرما دے, اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بے نیاز ہو جائے اور ان غموں سے آزاد ہو جائے. اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے, جو باتیں ہم نے کی ہیں عمر بھر ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے.